हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 15 का स्टडी करेंगे और इसमें हमें कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्जन कॉमन फ्रैक्शन में करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन वन करते हैं। क्वेश्चन वन इज राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहां पर हमें चार एग्जाम्पल्स करने हैं, हर एक एग्जाम्पल में हमें एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं और उन बॉक्सेस में हमें प्रॉपर नंबर्स लिखने हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल का आंसर लिखेंगे। प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन वन, राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल 3/5 इज इक्वल टू 3 × बॉक्स डिवाइडेड बाय 5 × बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू बॉक्स। तो देखो यहां पर 10 आया है, इसका मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, यानी डेफिनेटली इस बॉक्स में 2 आना चाहिए। ओके, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बॉक्स में भी 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, 5 × 2 = 10, तो 3 × 2 = 6, तो ये बॉक्स में 6 आ जाएगा। अब 6 / 10, ओके, अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे 1 डिजिट आएगा, तो ये हो जाएगा 0.6। हाँ, 6/10 का हो जाएगा 0.6। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसमें ये 3/5 कॉमन फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो ये कॉमन फ्रैक्शन है, और ये 0.6 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें डेसिमल आ गए, यानी डेसिमल फ्रैक्शन है, तो कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल 25/8 इज इक्वल टू 25 × बॉक्स डिवाइड बाय 8 × 125। अब देखो डिनोमिनेटर को 125 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस बॉक्स में 125 आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब 8 × 125 का मल्टीप्लीकेशन 1000 आया है, तो 25 × 125 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, देखो 25 × 5 = 125 के लिए 5 कैरी 12, 25 × 2 = 50, 50 + 12 दैट इज 62, तो 62 के लिए 2 कैरी 6 आएगा, फिर 25 × 1 = 25 + 6, 25 + 6 हो जाएगा 31। ठीक है, तो इस बॉक्स में नंबर आ गया 3125 और डिवाइड बाय 1000 है, तो फिर आगे देखो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स आ गए, तो 3.125। तो इस तरह से यहां पर भी कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जाम्पल। चलो अभी क्वेश्चन वन का थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज 21/2 इज इक्वल टू 21 × बॉक्स डिवाइडेड बाय 2 × बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू बॉक्स। अब देखो यहां पर 10 आए हैं, इसका मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, ओके, तो इस बॉक्स में 5 आएगा। अब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस बॉक्स में भी 5 आएंगे। अब 5 × 2 = 10, तो 5 से 21 को मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 = 5 एंड 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 105। नेक्स्ट 105 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 10.5। डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो डेसिमल के आगे 1 डिजिट, 10.5। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल 22/40 इज इक्वल टू 11/20 इज इक्वल टू 11 × बॉक्स डिवाइड बाय 20 × 5 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू बॉक्स। अब यहां पर देखो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, यानी इस डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस बॉक्स में 5 आएंगे। अब 25 = 100, तो 11 × 5 = 55, तो इस बॉक्स में 55 आ गए। अब नेक्स्ट 55/100, तो ये हो जाएगा
0.55, डिनोमिनेटर में दो जीरो है तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे दो डिजिट, तो 55 अपॉन 100 का हो गया 0.55। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन टू। चलो अभी क्वेश्चन टू करेंगे। क्वेश्चन टू इज कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। और यहां पर 7 एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक एग्जांपल में कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो चलो फर्स्ट आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन टू कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है 3/4, ये कॉमन फ्रैक्शन है, यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मींस ये कॉमन फ्रैक्शन है और इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो यहां पर हम डिनोमिनेटर्स 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, 10, 100, 1000 इस तरह से। तो देखो ये 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 4 = 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पर 25 × 4 = 100 एंड 25 × 3 = 75। अब 75/100 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.75, ठीक है। 75/100 में 0.75, डिनोमिनेटर में दो जीरो है तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे दो डिजिट्स, ठीक है। तो ये कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। सेकेंड 4/5, अब यहां पर अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। सो डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 8/10 दैट विल बिकम 0.8। डिनोमिनेटर में एक जीरो है तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे एक डिजिट, तो 4/5 का कन्वर्जन 0.8 हो गया, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल 9/8। अब देखो क्वेश्चन वन में हमने जो सेकंड एग्जांपल किया था उसमें डिनोमिनेटर 8 था और उसको 125 से मल्टीप्लाई करके 1000 बना था, ठीक है। तो 8 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कन्वर्जन 1000 हो जाएगा। तो यहां पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 125 से और 9 को भी 125 से, ठीक है। अब देखो 8 × 125 करेंगे तो 1000 आता है, 8 × 5 = 40, 40 के लिए 0 कैरी 4, 8 × 2 = 16 + 4 = 20, 20 के लिए 0 कैरी 2, 8 × 1 = 8 + 2 = 10। अब न्यूमरेटर में 9 × 5 = 45 कैरी 4, 9 × 2 = 18 + 4 = 22 कैरी 2, 9 × 1 = 9 + 2 = 11, 1125। अब इसका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो न्यूमरेटर में 1.125, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल 17/20। अब देखो यहां पर आप लोग बता सकते हो 20 को हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो जाएंगे, 25 × 100, तो न्यूमरेटर में भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में 25 × 100 और न्यूमरेटर में 17 × 5 = 85। अब देखो इसका क्या होगा डेसिमल फ्रैक्शन, 85/100 मींस 0.85, ठीक है। इस तरह से कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। ओके, तो 4 एग्जांपल्स हो गए, अब रिमेनिंग 3 एग्जांपल्स करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन 2 का 5th एग्जांपल करेंगे। 5th एग्जांपल इज 36/40, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 40 को अगर 4 से डिवाइड किया तो हमें आंसर 10 आएगा, तो डिनोमिनेटर 10 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 36/4। अब देखो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 10 = 40, तो डिनोमिनेटर 10 हो गया, और 4 × 9 = 36,
तो न्यूमरेटर 9 हो गया एंड 9 अपॉन 10 मीन्स 0.9, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 7 अपॉन 25, अब यहां पर 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 से 100 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 4 25 फोर जा 100, 7 फोर जा 28, ओके, तो डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में आ गया। अब इसका डेसिमल फ्रैक्शन लिखना इजी है, डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे 2 डिजिट 0.28, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 19 अपॉन 200, 7th एग्जांपल, अब देखो यहां पर 200 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, यानी डिनोमिनेटर 1000 हो जाएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 200 × 5 = 1000, 19 × 5 = 95, तो ये 95 upon 1000 हो गया। अब इसका डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो न्यूमरेटर में डेसिमल के आगे 3 डिजिट आनी चाहिए, तो 0.095 डेसिमल के आगे 3 डिजिट, तो इस तरह से ये हो गया आंसर। तो ये कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 3, चलो अभी क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इज कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस, तो यहां पर हमें डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं और इनका कन्वर्जन हमें कॉमन फ्रैक्शंस में करना है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल 27.5, तो इसका हो जाएगा 275 / 10, ठीक है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है और इसका कन्वर्जन कॉमन फ्रैक्शन में हो गया, ओके। अब देखो यहां पर डेसिमल के आगे एक डिजिट था तो हमने डिनोमिनेटर में 10 ले लिया, ओके। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल 0.007, अब यहां पर डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स है तो इसका हो जाएगा 7 upon 1000, ओके। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल 90.8, तो ये डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो ये हो जाएगा 908 / 10, तो डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्जन कॉमन फ्रैक्शन में, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल 39.15, तो ये हो जाएगा 3915 / डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100, ठीक है, सो दिस इज कॉमन फ्रैक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल 3.12, तो 3.12 का कॉमन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 312 / 100, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है इसलिए डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट अब देखो यहां पर जरा केयरफुली करना जरूरी है, 70.400, तो यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि डेसिमल के आगे 3 डिजिट है लेकिन वैसा नहीं है, ये 2 जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, ओनली ये डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है ऐसा हम यहां पर कह सकते हैं, यानी 70.4 ही इसे हम समझ सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेंगे 70.4, क्योंकि ये डेसिमल के आगे जो हमें कितने भी जीरो लेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 70.400 का वैल्यू 70.4 ही है। अब इसका कॉमन फ्रैक्शन हम फाइंड करेंगे, 70.4 का हो जाएगा 704 / कितना लेंगे 10, क्योंकि डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है इसलिए डिनोमिनेटर में 10, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया और ये प्रैक्टिस सेट 15 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डेसिमल फ्रैक्शन का कन्वर्जन कॉमन फ्रैक्शन में और कॉमन फ्रैक्शन का कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन में करने का प्रैक्टिस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 16 का स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।